साथियों, अब गेहूं की फसल कट चुकी है, सरसों की भी फसल कट चुकी है। अब ज्यादातर समस्या जो आ रही है वो मोथा घास की और दूब घास की किसान साथियों के सामने आ रही है। और अब जो एक समय चल रहा है कि इस समय पर आप बहुत अच्छे से इसका निवारण कर सकते हैं और बिल्कुल जड़ से इसे खत्म कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो 2 से 3 साल में इसका बिल्कुल समाधान कर सकते हैं, फिर ये आपके खेत में देखने को भी नहीं मिलेगी। दूब घास में सबसे पहले जान लेते हैं कि दूब घास होती कौन सी है। तो साथियों, दूब घास जैसा कि आपने देखा है, ये घास है। और इस प्रकार की घास में क्या होता है कि इसके जितने भी कॉर्नर होते हैं ये हर कॉर्नर से फुटाव कर देती है, और ये हर कॉर्नर से फुटाव करने की वजह से ही किसान साथियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। अगर मानो इसे हमने जड़ से भी काट दिया और आगे से भी काट दिया तो भी ये पोर्शन इसका फुटाव कर जाता है, तो इसी वजह से ये समस्या है। और इसे ख़त्म करने के लिए हमारे पास में एक सबसे अच्छी दवा है, मेरा 71 के नाम से। ग्लाइफोसेट 71% में आता है, ग्लाइफोसेट तो बैन हो गया है, और लेकिन अब मेरा 71 के नाम से जो दवा आ रही है वो हमारे लिए सबसे अच्छी दवा है। साथियों, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इतनी ज़बरदस्ती ये घास हो रखी है और यहाँ पर कोई भी दवा इसमें काम नहीं करती। और अगर मानो ये ऊपर से ख़त्म हो भी जाए तो ये जड़ पर नहीं सूखती है और ये फिर से फुटाव करके फिर से बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर किसान साथियों के लिए राउंड अप नाम से जो दवा आ रही है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि इसका सॉल्यूशन हो सके। साथियों, अब बात कर लेते हैं मोथा घास की। मोथा घास में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो ऊपर से मोथा को ख़त्म करने की नहीं आती। मोथा घास में समस्याएं आती हैं, मोथा घास की जड़ के जो मंगे होते हैं वो 6 से 7 मंगे तक नीचे बढ़ जाता है, और साथ ही 2 फीट गहराई तक भी मोथा जा सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है किसान भाइयों को, क्योंकि ये ऊपर से तो पौधा कट जाता है या इसको हम दवा के जरिए से ख़त्म भी कर देते हैं, लेकिन जो इसका मंगा होता है वो ख़त्म नहीं हो पाता, और ये किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है। तो साथियों, मेरा 71 को अगर आप इसमें स्प्रे करते हैं तो ये मंगे को भी ख़त्म करने तक की क्षमता रखता है, और जैसे ही आप इसे स्प्रे करेंगे तो ये ऊपर से पौधा ख़त्म हो जाएगा। और जो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गेहूं की कटाई हुई है और खेत यहाँ पर बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा है, तो अब ये जो समय है इस समय में अगर हम कोई भी दवा लगाते हैं तो वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में ना हो। तो इसके लिए आपको पहले खेत में अपने पानी लगाना होगा, और पानी लगाने के बाद में जैसे ही नमी सही हो जाती है आप उस अवस्था में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने के लिए आप 1 किलोग्राम दवा को 250 लीटर पानी के साथ मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे कर सकते हैं, और इसमें खेत में जब आप स्प्रे करने जाएं उस समय 500 ग्राम यूरिया मिला लेंगे तो अच्छा काम करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा होते हुए पौधा जल्दी से इसे अवशोषित कर लेता है। दूसरा, अगर इसमें कपड़े धोने वाला सर्फ 2 चम्मच डाल देते हैं तो वो स्टिकर का काम करता है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। साथियों, जैसे जैसे आपके खेत में नमी कम होती जाएगी वैसे वैसे पौधा ख़त्म होता चला जाएगा, और इसके जस्ट 8 से 10 दिन के बाद में आप खेत में अच्छे प्रकार से जुताई कराएं, और जुताई बहुत गहरी होनी चाहिए और जुताई ज़्यादा बारीक होनी चाहिए, यानी कि ढेले ज़्यादा खेत के अंदर ना बने। अगर खेत के अंदर ढेले रहेंगे तो यहाँ पर जो मोथे का मंगा है वो वहाँ जिंदा रह जाता है और फिर वहाँ से वो फुटाव करके आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपको बहुत बारीक जुताई करानी है जिससे कि हवा अंदर तक चली जाए और बिल्कुल मंगे को ख़त्म कर दे, और घास जितनी भी है उसे ख़त्म करने में उसे यहाँ पर कामयाबी मिल सके। तो साथियों, इस प्रकार से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, और आप 2 से 3 साल अगर इस प्रकार से कर देते हैं, 15 दिन का समय दे देते हैं, तो इस समय पर आप अपने खेत में से दूब घास और मोथा घास को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। साथियों, यहाँ तक हम बात कर रहे थे उन खेतों की जिन खेतों में फसल हमने अभी नहीं बोई है और आगे बोने का विचार नहीं है 15 से 20 दिन के लिए, लेकिन जिन खेतों में अब फसल खड़ी हुई है जैसे मक्का की फसल खड़ी है या गन्ना की फसल खड़ी है, उन खेतों में हम क्या कर सकते हैं। तो उन खेतों में अगर हमारे मोथा घास है तो मोथा घास को ख़त्म करने के लिए सेम्प्रा नाम से जो दवा आ रही है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा के अंदर हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल के नाम से केमिकल आता है और ये 75% में है। आप इसका 3 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से मिला के अगर आप अपने मक्का और गन्ने की खेती में स्प्रे कर देते हैं तो आप यहाँ मोथा घास से और दूब घास से राहत पा सकते हैं। साथियों, विशेष ध्यान रखने वाली बात सिर्फ यही है कि अपनी फसल में नमी बनाए रखें और उसके बाद में ही स्प्रे करें।
तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं धान की फसल में कि धान की फसल में हमें किस प्रकार से इसको कंट्रोल करना चाहिए। साथियों, धान की फसल में हमें इसे कंट्रोल करने के लिए बेंटाजॉन के नाम से जो दवा आती है, साल्ट आता है, उसे हमें मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए लगभग 150 लीटर पानी में, और इसको हमें 50 से 60 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से मिला के स्प्रे करना चाहिए। इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और मोथा घास और दूब घास यहाँ पर बिल्कुल स्वतः कंट्रोल हो जाती है। तो आप इस प्रकार से ज़्यादा अच्छे लाभ ले सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।